फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम सीखेंगे ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। ये देखिए, इस डिज़ाइन को आप अपने किसी प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, जेंट्स हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में डाल सकती हैं। ये बनकर बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड। ये देखिए, आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से ये इस तरह से दिखता है। ये देखिए, तो फ्रेंड इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो 6 के मल्टीपल से होंगे, प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे। और ये जो डिज़ाइन है ये टोटल 2 रो का डिज़ाइन है, 2 रो के बाद ये डिज़ाइन ओवर हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 32 फंदे लिए हैं, 6 के मल्टीपल से 30 फंदे लिए हैं, प्लस 2 फंदे ए स्टिच के लिए हैं। और नीचे से मैंने 2 रो इसके उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है। आप जो भी बॉर्डर नीचे बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ये देखिए, ये ए स्टिच हैं। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ये 2 फंदे ट्विस्ट करेंगे, ये पीछे का फंदा आगे लेकर जाएंगे आगे की साइड से, और ये वाला फंदा पीछे लेकर जाएंगे। दोनों फंदे ट्विस्ट करेंगे, दोनों को सीधा बुन लेंगे। अब ये वाले दोनों फंदे भी ट्विस्ट करेंगे। अब पीछे वाला फंदा पीछे की साइड से आगे लेकर आएंगे और आगे वाला फंदा पीछे लेकर जाएंगे। देखिए, इनको भी सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने ये केबल डाली है, 2 फंदे हमने ट्विस्ट किए पहले, इनको इस साइड में लेकर गए और ये वाले को इस साइड में। दोनों को ऐसे हम वी शेप में इसको ट्विस्ट करना है, दोनों फंदों को। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे। ये देखिए, स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। आगे इसे ही रिपीट करेंगे। फिर देखिए, फिर से वैसे ही 2 फंदे ऐसे ट्विस्ट करेंगे और दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब ये वाले फंदे ट्विस्ट करेंगे, इनको सीधा बुन लेंगे। एक बार फंदा हमने पीछे वाला आगे लेकर जाना है, फिर दूसरी बार आगे वाला फंदा पीछे लेकर जाना है। धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे। ये देखिए, 2 फंदे ट्विस्ट करेंगे, दोनों को सीधा बुन लेंगे। अब ये वाले दोनों फंदे भी ट्विस्ट करेंगे। धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। ये देखिए, दोनों फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे। फिर से 2 फंदे ट्विस्ट कर लेंगे। फिर ये वाले 2 फंदे ट्विस्ट करेंगे, धागा आगे, एक फंदा लास्ट में उल्टा, धागा पीछे, ए स्टिच सीधा। रो फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। रो सेकंड रॉन्ग साइड, इस रो में जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बुनेंगे। एक फंदा सीधा, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, 2 3 4, 1 2 सीधे फंदे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 1 2 सीधे फंदे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 1 2 सीधे फंदे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा ए स्टिच उल्टा। रो सेकंड कंप्लीट हो गई है।
ये देखिए, और हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। फिर से इसको फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट टू सेकंड रॉ इसकी बार बार पीट करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से दो फंदे ट्विस्ट करेंगे। दोनों को सीधा बुन लेंगे, फिर ये वाले फंदे दोनों ट्विस्ट कर लेंगे, आगे वाला फंदा पीछे लेकर जाएंगे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से दोनों फंदे ट्विस्ट करेंगे। अब ये वाले दोनों फंदे भी ट्विस्ट कर लेंगे, धागा पीछे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से दो फंदे ट्विस्ट करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। देखिए रॉ फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। रॉ सेकेंड रॉन्ग साइड, जो फंदा जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही बुनेंगे। एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, धागे पीछे, दो फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, तीन, चार, दो फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, दो फंदे सीधे, एक, दो, चार फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, दो, तीन, चार, एक फंदा सीधा, ए स्टिच उल्टा। ये देखिए फिर से सेकेंड रॉ कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही बार बार हम इसकी फर्स्ट एंड सेकेंड रॉ रिपीट करते जाएंगे और ये डिज़ाइन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है फ्रेंड। इसे आप अपने किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।